गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज गई हैं 11, सुबह के नाश्ता वगैरह हो चुका है, बर्तन पड़े हैं अभी करने हैं मुझे, और मशीन चालू की है, कपड़े धुल रहे हैं और पोछा लगाना बाकी है, और करी है खाने की कुछ तैयारी। पत्ता गोभी कट करके रखी है मैंने, और बनाऊंगी इसकी सब्जी और रोटी, सिंपल सा है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर हॉल में आई थी मैं, तो यहाँ काफ़ी कचरा लग रहा था। मान्या बैठती है कंप्यूटर के पास, तो कुछ ना कुछ खाने का लेकर बैठती रहती है, तो उसे गिराती रहती है अपने पास, तो उसे यहाँ से हटाया है। और यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू लगा दिया है, काफ़ी कचरा पड़ा था तो झाड़ू लगा दिया। अच्छा नहीं लगता है कोई आ जाए तो अचानक से, इसलिए पहले मैंने वहाँ पे क्लीन किया है। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी के पत्ता गोभी बना रही, तो उसके मसाले की। तो लहसुन काट लिया है, हरी मिर्ची काटी है और प्याज कट कर रही हूँ। प्याज काफ़ी तीखा आ गया था, तो आँखों में लग रहा था, बहुत तेज़ था, तो प्याज कट गया है। यहाँ पर निकाल लिया है टमाटर और लगाएंगे तड़का सब्जी को। तो यहाँ पर ऑयल रखा है सब्जी में मैंने, कढ़ाई में, और डाल दिया है राई और आलू साथ में ही कट कर रही हूँ। आलू पहले ही धो के ले लिया है मैंने, और जीरा, राई, मेथी दाना ये सब डाला है, और डाल दिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्ची। अजवाइन और मेथी दाना सब्जी में हो सके जितने मैं डालती ही डालती हूँ, तो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और उसे कर लिया फ्राई। अजवाइन डाल दिया, अभी अजवाइन पहले नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ ताकि वो जले नहीं, वरना बारीक रहता है तो जल जाता है, इसलिए प्याज वगैरह डालने के बाद डालती हूँ। और कभी ऐसा रह जाता है तो मैं सब्जी बनने के बाद भी डाल देती हूँ, तो भी वो गल जाता है सब्जी में। तो अभी यहाँ पर डाल दिया है टमाटर और हल्दी डाल दी है यहाँ पर, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में इसका, सब्जी दाल सब में, तो वो डाल दी है। और नमक डाल दिया है ताकि टमाटर फटाफट से गल जाए। कर लिया है मिक्स और डाल दी है अभी सब्जी, मिक्स करके ढक दूंगी इसको। फिर बाद में मुझे याद आया कि चने भी भिगोए हुए पड़े थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए इसमें, वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अभी डाला है मैंने, सब्जी पक चुकी है तो मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, और डाल दिया है हरा धनिया भी रखा था तो वो भी डाल दिया, और मिक्स कर लेंगे और ढक के रख लेंगे इसको। और सब्जी बनने के बाद फिर मैंने थोड़े जो बर्तन पड़े थे नाश्ते वगैरह के, तो पहले उनको क्लीन कर लूँगी फिर रोटी बनाऊँगी, ताकि फिर बर्तन ढेर सारे नहीं हो जाए, क्योंकि फिर रोटी वगैरह बनेगी तो सब खाएंगे तो फिर वो भी बर्तन हो जाएंगे इकट्ठे, तो इसीलिए पहले के जो बर्तन हैं वो क्लीन कर लूँ ताकि सिंक भी खाली हो जाएगा और इकट्ठा नहीं गए। और यहाँ पर मान्या से मैं कुछ बात कर रही हूँ, वो कुछ ना कुछ आके बातें करती रहती है, लेकिन वो आगे नहीं आती है, पीछे खड़ी रहती है, जाके ट्राइपॉड के पीछे जाके खड़ी रहती है। तो वो अभी यहाँ पे कुछ बोल रही थी, तो मैं उससे बात करती जा रही हूँ और बर्तन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद में बनाऊँगी रोटी। अभी बर्तन हो गए हैं क्लीन और अब मैं बना दूंगी रोटियां। तो यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, बना कर रख लूँगी। मान्या तो अभी खा लेगी, वो घर पर ही है तो वो खा लेगी अभी गरम गरम, भव्य आएगा तभी खाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ऐसे वेट करके नहीं रख सकते, फिर पूरा दिन हो जाता है, तो फिर गैस क्लीन करना होता है, इसलिए बना कर रख लेती हूँ, शाम को गर्म ही खा लेते हैं, सुबह में मैं बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर बना कर रख लूँगी रोटियाँ।
तो रोटियां बन गई हैं, तो अभी मैं सेक रही हूँ पापड़। हाय फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और यहाँ पर रख दिया है मैंने, दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और कुकर में रख लिए हैं मूंग, ठंडा भी हो गया है कुकर, साबुत मूंग आते हैं तो साबुत मूंग बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी और रोटी बना दूंगी। और दिया बाती हो चुका है, चलिए दर्शन करा देती हूँ मैं आपको। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं मसाले की तैयारी, मूंग फ्राई करने हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ फ्रिज से मैं हरी मिर्ची, करी पत्ता और हरी मिर्ची, करी पत्ता, लहसुन, प्याज, टमाटर, इसका लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर ठंडा हो गया था तो मैंने रख लिया है फ्रिज में उसको, दूसरा वाला गर्म था तो वो बाहर रहने दिया है ताकि जगह हो जाए काउंटर टॉप पे, क्योंकि यहाँ थोड़ी कम जगह है, जगह नहीं है इतनी। तो यहाँ पर हरी मिर्ची कट कर ली है मैंने, प्याज कट कर लिया है और यहाँ पर भव्या आकर कुछ बात कर रहा था तो लगा दिया है तड़का, लगा दिया है मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ इसलिए नहीं किया। तो यहाँ पर ये देखिए तड़का रेडी हो गया है, उसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है तो मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर और डाल दिए हैं मूंग। मूंग को थोड़ा अच्छे से मैश कर लूँगी, थोड़ा बहुत हल्का हल्का, वैसे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो हल्का सा मैश कर लेंगे तो वो एक जैसा हो जाता है। और अभी डाल दूँगी पानी जितना मुझे चाहिए, कितना अच्छा कलर आया है। और अभी और थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि ये तो गाढ़े, फिर राइस के साथ खाना है तो थोड़ा पतला रखूंगी इसको। तो अभी मैं इसमें पानी डालकर ऐड कर दिया है, तो राइस रख दिए है मैंने और यहाँ पर वही बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं तो वो कर लूँगी थोड़े बहुत जो भी हैं ताकि इकट्ठे न हों। और राइस रख दिए हैं मैंने कुकर में और ये एक दो बर्तन थे दोपहर के भी पड़े थे थोड़े से कॉफ़ी वगैरह के, और बीच में बच्चों ने कुछ खाया था उसके, तो उनको क्लीन कर दूँगी। और रोटी तो लेट बनेगी क्योंकि वो आएंगे तभी बनेगी, अभी तो बच्चे तो राइस ही खाने वाले हैं, मूंग राइस, तो रोटी लेट बनेगी। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।